आओ विराट, विराट तुम्हारे इंतजार हो रहा था। हैप्पी एनिवर्सरी, आप दोनों को 30वीं सालगिरह मुबारक। थैंक यू। थैंक यू। लेकिन आने में काफी देर कर दी विराट। हाँ एक्चुअली आज ही मैंने अपनी ड्यूटी रिजॉइन की है ना, इसीलिए। वैसे मैं अकेला नहीं आया हूँ। हाँ तुम अकेले आ भी कैसे सकते, अब तुम शादीशुदा जो। नमस्ते काका। नमस्ते काकू। वैसे सही तुम सुबह घर वालों के साथ क्यों नहीं आई? कि तुम्हें ये डर था कि विराट की गैर मौजूदगी में हम तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे? नहीं काकू, मुझे ऐसा क्यों लगेगा? अरे अरे नहीं बेटा, वैशाली बस मजाक कर रही है। नहीं मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, बाकी परिवार के साथ दिन में क्यों नहीं आई? अब पार्टी में आने के लिए विराट का इंतजार करने की क्या जरूरत थी? कमाल है, मतलब मुझे नहीं पता था कि सई की इतनी डिमांड है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है हर कोई सई का ही वेट कर रहा था यहाँ पर, है ना? यकीन नहीं हो रहा है। ऐसी कई चीजें हैं विराट जिसका यकीन कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो? आओ बैठो बैठो। तो वैशाली का है, इन्हें कुछ खिलाओगे पिलाओगे या इन्हें भूखा रहना पड़ेगा? पहले सही से पूछ तो लो, ये हमारे घर का खाना खाएगी भी या नहीं। बाकी दीदी मैं आपके आई बाबा की एनिवर्सरी पे आई हूँ, खाना क्यों नहीं खाऊंगी? क्योंकि तुम्हारा और मेरा रिश्ता इतना अच्छा नहीं है सही, ये तो तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। और अगर होता तो तुम आज बाकी घर वालों के साथ सुबह ही आ जाती यहाँ पर। ताली दो हाथ से बजती है पाखी दीदी, ऐसा तो नहीं है कि आपने मेरे साथ रिश्ता अच्छा रखने की कोशिश की हो, फिर आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकती हैं? और अब सारा इल्जाम मुझ पर लगा रही हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सारी गलती सिर्फ मेरी हो, आपकी कोई गलती नहीं हो? नहीं सही, तुम कभी गलत हो सकती हो? बिल्कुल भी नहीं, सारी गलती हमेशा सिर्फ और सिर्फ मेरी तो होती है। बाकी प्लीज, ये क्या बातें लेकर बैठ गए हो तुम दोनों? आखिर हम तुम्हारे आई बाबा के एनिवर्सरी मनाने आए हैं, ये फैसला करने नहीं आए कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत। अच्छा ये बताओ सही, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है काका। ऐसे ही मन लगा के मेहनत करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। देखो एक दिन तुम बहुत बड़ी डॉक्टर बनोगी। वो तो ये बन के ही रहेगी बाबा, क्योंकि पूरा दिन पढ़ाई जो करती रहती है, घर का और कोई काम जो नहीं करना पड़ता इसे। नसीब वाली है ना सही, अब घर का काम करने की जरूरत ही नहीं है इसे। अब कह रहे कि इसके हिस्से का काम करने के लिए बाकी लोग हैं। कहना कि हमारे परिवार में कुछ लोग हैं जो समझदार हैं, मददगार हैं, हर किसी का तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी पढ़ाई को अहमियत देते हैं। बाकी भी तो कितनी पढ़ी लिखी है, पर ये तो सबसे ज्यादा समझती है इस बात को। इनफैक्ट मैंने इसे कहा भी था कि वो अपनी जॉब रिजॉइन कर ले ताकि इसका भी मन लगा रहे। तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो विराट, लेकिन जहां तक मुझे याद है तुमने इस बारे में मुझसे कभी कुछ कहा नहीं। और तुम तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं तुम्हारी कही हर बात याद रखती। काकू एक मिनट, बातों बातों में आपको विश करना ही भूल गए। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। अरे इसकी क्या जरूरत थी विराट, सच कहूं मेरा बिल्कुल मन नहीं था एनिवर्सरी मनाने का। इतने समय से सम्राट का कुछ नहीं पता चल रहा, दिल अंदर से अभी भी उदास है। लेकिन क्या करे, दुनियादारी तो भी निभानी पड़ती है। काका समझ सकता हूं मैं, हम घर में भी सम्राट को रोज याद करते हैं। ऐसा एक दिन नहीं बीतता जब हम उसके बारे में नहीं सोचते।
लेकिन उन यादों को हम हमारी जंजीर नहीं बनने दे सकते ना। हम भी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं जिंदगी में आगे बढ़ने की, आप लोग प्लीज उदास मत होइए। ये आपकी तीसरी सालगिरह है। पिछले 30 साल से आप एक दूसरे की परवाह कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इतने प्यार से रह रहे हैं। हर किसी के नसीब में कहाँ होता है ऐसा साथ। आप लोगों को तो पूरा हक है जश्न मनाने का। हक है मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो, मेरा कोई हक नहीं है? मेरे नसीब में मेरे आई बाबा जैसे खुशहाल और शादीशुदा जिंदगी नहीं है? नहीं पाखी दीदी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ काका को और काकू को बेटर फील कराना चाहती थी और कुछ नहीं। मुझे ताना मार के? नहीं पाखी, तुम्हें कोई ताना नहीं मार रहा है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मेरी बेटी पे क्या गुजर रही है ना, ये कोई नहीं समझ सकता। मेरा वो मतलब नहीं था बाकी दीदी। आपको अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। मेरा आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। आपको पूरा हक है एक खुशहाल जिंदगी जीने का, अपने आई बाबा की खुशियों में शामिल होने का। ये साड़ी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी, आप कभी पहनेंगी जरूर। थैंक यू। अब जीती रहो, सुखी रहा। खोल के देखिए ना कैसी है साड़ी, आपको पसंद आई कि नहीं। देखिए तो ये तो काफी महंगी साड़ी लग रही है। इतना महंगा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी जवान परिवार की तरफ से तो एक गिफ्ट आ गया था ना, तो तुम्हें अलग से इतना महंगा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? सही, इसका पति अच्छा खासा कमाता है ना, इसीलिए तो इतनी महंगी साड़ी लेकर आई। लेकिन इसने ये नहीं सोचा कि बाकी परिवार वालों को कैसा लगेगा। वो सब नॉर्मल लोग हैं, अपने बजट के हिसाब से गिफ्ट लेकर आए थे। लेकिन सही ने एक बार भी नहीं ये सोचा ये इतनी महंगी साड़ी देकर पूरे घर वालों की कितनी बेइज्जती करेगी। मुझे तो इस साड़ी की कीमत भी नहीं पता, वो तो घर में साड़ी रखी हुई थी और मैं ज्यादा साड़ी पहनती नहीं हूँ, इसीलिए मैंने सोचा ये साड़ी आपकी आई पे बहुत अच्छी लगेगी, सोचा गिफ्ट कर देती हूँ। इससे ज्यादा मैंने और कुछ भी नहीं सोचा, सच। छोटी बात है बाकी, क्यों खींच कर तोल दे रही हो? विराट सही तो इमेच्योर है, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि ये सब गलत है? मुझे बड़ी मामी से इस बारे में बात करनी होगी। मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती, ये लो। मैं दिल से चाहती हूँ आप ये साड़ी ले, प्लीज मना मत कीजिए। जिंदगी में हर चीज ना हमारे चाहने से नहीं होती। तो क्या आप वाकई ये गिफ्ट वापस कर रही हैं? वैशाली ले लो ना, सही इतने प्यार से लाई है। अरे तुम वापस करोगी तो इसे बुरा लगेगा। और इसका दिया हुआ इतना महंगा तोहफा मैं रखूंगी ना शैलेश, तो मुझे बुरा लगे। हम एक जॉइंट फैमिली में रहते, अगर तुमने ये गिफ्ट मेरी आई को दिया तो बाकी परिवार वालों को बहुत बुरा लगेगा। सही बाकी,
तुम जो कहना चाहती हो वो मैं समझ गया हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सई के दिल में एक पल को भी ऐसा ख्याल आया होगा कि वो किसी को भी नीचा दिखाए। हाँ विराट, तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा सई के दिल में क्या ख्याल आता है क्या नहीं। After all, आजकल तुम इसके दिल में जो रहते हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इसके दिमाग में चलता क्या रहता है। अब मैं इसके ऊपर और ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती। बाकी दीदी, आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, लेकिन मैंने उस तरीके से सोचा ही नहीं जिस तरीके से आप बोल रही हैं। हाँ, शायद मुझे उस तरीके से सोचना चाहिए था। गलती मेरी है कि मैंने परिवार के बारे में नहीं सोचा, लेकिन मैं ये तोहफा बहुत दिल से लाई हूँ। आप प्लीज अपनी आई को ये गिफ्ट लेने से मत रोकिए। मैं वादा करती हूँ दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। तुम सोचो ना सोचो, लेकिन मैं अपने परिवार के बारे में बहुत सोचती हूँ। सही, मैं ये गिफ्ट आई को नहीं लेने दे सकती। एनीवे, सब छोड़। विराट, क्या खाना खाने के बाद मैं तुम्हारे साथ वापस घर चल सकती हूँ अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो? मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों होगी? नहीं, तुम अकेले अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे आए थे तो मुझे लगा तुम वापस भी अपनी वाइफ के साथ जाना चाहते हो, इसलिए। बाकी दीदी, आपने तो कहा था आप कुछ दिन अपने आई बाबा के घर पे रहेंगे। फिर अचानक आपका प्लान कैसे बदल गया? मेरी मर्जी। नहीं, मर्जी तो आपकी ही है, मैं बस पूछना चाह रही थी कि अचानक आपकी मर्जी कैसे बदल गई। निनाद मामा चाहते थे कि मैं जल्दी घर वापस आ जाऊं, और मैंने सोचा था कि मैं सुबह वापस आ जाऊंगी, लेकिन कल सुबह और आज रात में कुछ ज्यादा फर्क तो है नहीं ना। मेरा मायका, मेरा ससुराल और मेरी मर्जी, और ये भी मैं ही डिसाइड करूंगी कि मुझे कब, कहां और कैसे जाना है। ठीक है आई? आप इनका खाना पीना देख लीजिए, मैं जाकर सामान पैक कर लेती हूँ। मैं आज रात ही अपने आप से अकेले निकल जाऊंगी। जवान परिवार की तरफ से तो एक गिफ्ट आ गया था ना, तुम्हें अलग से गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी, वो भी इतना महंगा। ले लो ना, सही इतने प्यार से लाई है, ये तुम वापस करोगी तो इसे बुरा लगेगा। और इसका दिया हुआ इतना महंगा तोहफा मैं रखूंगी ना शैलेश, तो मुझे बुरा लगेगा। हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अगर तुमने ये गिफ्ट मेरी आई को दिया तो बाकी परिवार वालों को बहुत बुरा लगेगा। सही, गई थी सालगिरह मनाने, सुन के आ गई ताने। क्या हुआ? जो गलती हुई उसके लिए सॉरी बोल रहा हूं। गलती? कौन सी गलती? मेरे कहने पर तुम वो गिफ्ट लेकर गई और मेरी वजह से बाकी और उसकी आई ने तुम्हें इतना कुछ सुनाया। इसमें आपकी भी क्या गलती है? वैसे भी बाकी दीदी तो मौके ढूंढती मुझे ताने मारने के। छोड़ो ये सब, सही दिल से मत लगाओ।
क्यों ना लगाऊं दिल से? सब आपकी वजह से हुआ। ना आप जिद करते मुझे लेके जाने की, ना मुझे जाना पड़ता और ना हुआ मुझे ताने सुनने पड़ते। क्या हुआ? आओ एक सेल्फी लेते। सेल्फी? अभी? क्यों? सही, आज हम एक साथ एक पार्टी में गए थे और हमारी एक भी पिक्चर साथ में क्लिक नहीं हुई है। उस दिन हरिणी के जन्मदिन पर भी हमारी कोई भी अच्छी पिक्चर क्लिक नहीं हुई थी, और जो भी हुई उसमें तुम्हारा मुंह ऐसे था। ऐसा आपको लगता है? मैं कोई गुस्सा वुस्सा नहीं थी। गुस्सा वुस्सा नहीं थी? तो फिर मुंह ऐसा क्यों था? ऐसा ही है मेरा। अच्छा ठीक है, उस दिन की बात छोड़ो। तुमने इतनी अच्छी साड़ी पहनी है, कितनी अच्छी दिख रही हो। आई ने तुम्हें कितने अच्छे से तैयार किया है। अगर हमारी अच्छी सी सेल्फी देखेंगी तो उनको कितना अच्छा लगेगा ना। कितने चंटो ना, आई के कंधे पर बंदूक रखकर कैसे अपने मन की बात करवा लेते हो ना हमेशा। कुछ भी क्या हुआ, कमर में दर्द है? नहीं, पोज कर रही हूँ सेल्फी के लिए। इसे पोज कहते हैं? अच्छा अच्छा, मुझे नहीं पता ना, मैं नहीं करता इसलिए। मैं करती हूँ ना, मैं बताती हूँ पोज है। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाया। खुले बाल ही अच्छे लगते हैं। मैं उसका नाम नहीं यार, ये मजा नहीं आ रहा। ओहो, क्या कर रहे हैं, कितनी बेकार पिक्चर्स ले रहे हैं। नहीं नहीं, ये कैमरा ही खराब है, देखो ना मैं भी थोड़ा अजीब सा लग रहा हूँ। ओहो, जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे ना। क्या मतलब, तुम्हें अभी भी मैं हैंडसम नहीं लगता? हैंडसम तो आप मुझे अभी भी नहीं लगते, लेकिन अब मुझे एक और चीज पता चली। क्या? कि आप सेल्फीज भी नहीं ले सकते। हाँ हाँ, तुमने तो डिप्लोमा किया है सेल्फी लेने में। सेल्फी क्वीन हूँ मैं। किया? अरे लाइए आइए, स्माइल। देखिए, आप कैमरा में क्यों नहीं देख रहे हैं, मुझे क्यों देख रहे हैं? पर कितनी अच्छी आई है ये। तुम्हें लगता कि ये कोई रोमांटिक फिल्म का पोस्टर और हाँ तो मैंने खींची है ना, अच्छी तो आनी थी। लेकिन आप ना चिंता मत कीजिए, मैं आपको सिखा दूंगी अच्छी फोटोज खींचना। आप मेरे पास ट्यूशन्स के लिए आ जाइए करें। ओके मैम, कब से आना है? कल से। कल से? नहीं आ सकूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उस मिशन के लिए हाँ बोल चुका हूँ। सही, कल सुबह ही निकलना है। लेकिन आप तो उस मिशन के लिए मना करने वाले थे ना। सोचा तो था सही, पर मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटना चाहता था। अगर मेरे सीनियर्स ने मेरा नाम सजेस्ट किया है तो कुछ सोच के ही सजेस्ट किया होगा ना, और मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता। सही, वैसे भी सही, अगर मैं नहीं जाता तो कोई और चला जाता, और भगवान ना करे उसके साथ अगर कुछ हो जाता तो मेरे दिल में जिंदगी भर इस बात का मलाल रह जाता। लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो? अपना ख्याल रखिएगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।